नोकिया। अक्टूबर 1998 में नोकिया फोन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल ब्रांड बन गया और उनमें से नोकिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल नोकिया 1100 था। 1995 में नोकिया का प्रॉफिट $1 बिलियन था बट वो बढ़कर 1999 में 4 बिलियन हो गया और नोकिया कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसकी वजह से 2007 तक दुनिया में से आधे फोन नोकिया के होते हैं, यानी कि 50% तक फोन नोकिया के थे और जो मोबाइल बिकते थे उनमें से हर दो मोबाइल में से एक मोबाइल नोकिया का होता था। बट आज टाइम पूरी तरह से चेंज हो गया और नोकिया के साथ ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से आज नोकिया मोबाइल कोई लेना भी नहीं चाहता और ऐसे तो क्या रीजन थे जिसकी वजह से नोकिया आज पूरी तरह से फेल हो गया। और हाँ, हम एक 5 एपिसोड की सीरीज लाने वाले जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो आज पूरी तरह से फेल हो गई वो उसके बारे में बताया जाएगा और 5 एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1, नोकिया कंपनी क्यों फेल हो गई। रीजन 1, फेलियर टू अडेप्ट। यानी कि जब धीरे धीरे टाइम बदल रहा था और सभी लोग नोकिया को सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहे थे बट नोकिया तो हार्डवेयर को अच्छा करने में ध्यान दे रहा था और सभी लोग नोकिया के अंदर सॉफ्टवेयर यानी कि अच्छे अच्छे एप्लीकेशन की डिमांड कर रहे थे। उसके अंदर तो यूट्यूब जैसा भी एप्लीकेशन नहीं था, यानी आप सोच सकते हो। और साथ में नोकिया कंपनी ने जो पहले अपने मोबाइल की डिजाइन आती थी वैसे ही रखी, उसमें बहुत कुछ अपग्रेड नहीं किया और जब फोन के अंदर सॉफ्टवेयर लाया और अपग्रेड किया तब तक तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि तब तक तो सभी लोग एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर स्विफ्ट हो गए थे। रीजन 2, फेलियर टू स्विच एंड्रॉइड। नोकिया कंपनी के पास गूगल के साथ हाथ मिलाने का और एंड्रॉइड फोन बनाने का बहुत बड़ा मौका आया था और नोकिया ने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया था। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से नोकिया कंपनी फेल हो गई, क्योंकि अगर नोकिया ने एंड्रॉइड फोन बना लिया होता तो लोगों की डिमांड पूरी कर सकते, क्योंकि एंड्रॉइड के स्टोर के अंदर हजारों एप्लीकेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं जिसकी वजह से लोगों की डिमांड पूरी करी जा सकती थी। बट नोकिया ने मौका छोड़ दिया, अगर और मौका ले लिया होता तो आज नोकिया की कहानी कुछ और होती। रीजन 3, ओवर कॉन्फिडेंस। नोकिया कंपनी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, यानी उसको लगता था कि हमारी टक्कर दे सके ऐसा कोई है ही नहीं। वो किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानती नहीं थी जिसकी वजह से एप्पल जैसी नई नई कंपनी आने लगी और अपने मोबाइल को अच्छा बनाने लगी, जिसकी वजह से नोकिया कंपनी का घमंड एकदम चकनाचूर हो गया और नोकिया का इसी घमंड की वजह से नोकिया कंपनी आज फेल हो गई। अब बात करते हैं रीजन 4, फेलियर टू स्विच स्मार्टफोन। जब 2007 में एप्पल ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया था तब नोकिया ने एप्पल को इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नोकिया को लगता था कि स्मार्टफोन लेना लोग पसंद नहीं करेंगे, उसको हमारा ही फोन पसंद आएगा। बट धीरे धीरे टाइम के साथ सभी लोग स्मार्टफोन के अंदर चले गए और सभी लोगों को स्मार्टफोन लेना ही पसंद था। और जब नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन बनाया तब तक तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे एप्पल जैसे प्रोडक्ट आ गए थे जिसकी वजह से सभी लोग एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर स्विफ्ट हो गए और उस टाइम नोकिया का अंत हो गया। और जब नोकिया का अंत होने ही वाला था तब 2014 के अंदर $7.2 बिलियन देके माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया और फिर नोकिया कंपनी धीरे धीरे एकदम गायब होने लग गई थी। और इस नोकिया कंपनी फेल हो गई इससे हमें क्या सीखने को मिलता है जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रखो कि जो है हम ही है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और अभी जो टाइम है उसमें लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों को क्या चाहिए उस पर ध्यान दो और जो करना है टाइम के साथ वो जल्दी करो, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो नोकिया की तरह आपका भी यही हाल होगा, क्योंकि नोकिया स्मार्टफोन लाने में देरी कर दी थी जिसकी वजह से वो फेल हो गई। और टाइम के साथ अपने आप को हमेशा चेंज करते रहो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही बिजनेस की केस स्टडी और बड़ी बड़ी कंपनियों से हमें क्या सीखने को मिलता है सभी बातें जानने के लिए हमारी स्टार्टअप लाइन यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल ही हमारे 25 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके और बहुत खुशी हो जिसकी आप बात ही मत पूछो यार। थैंक यू सभी को दिल से थैंक यू। और एक अच्छा सा यार कमेंट कर देना, आपके एक कमेंट से मुझे इतनी खुशी होती यार इसकी तो बात ही मत पूछो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।